जैसे कह रहे हो अकेले अकेले जाते हो यूजुअली, जैसे टीम के साथ भी गए हो तो ऐसा हो टीम वाले पीछे हट गए, हम तो जा ही नहीं रहे। कई बार मैंने अब तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, आप कभी अगर टाइम मिले तो उसमें क्रेडिट देखना, हर बार डीओपी चेंज है हर बार चेंज है, वो दोबारा आने को तैयार ही नहीं है। मैं एक एपिसोड डॉक्यूमेंट्री एपिसोड की शूट करने, सबने बोला कि लंबी देहर माइंस जाते हैं, मेरे को एक मीडिया चैनल से ऑफर आया था कि हमारे लिए डॉक्यूमेंट्री आप बना दो, मैं कहा ठीक है जाते हैं। तो मैंने टीम में लिया, मेरे टीम में कुल 5 लोग, एक बंदा लाइट के लिए, एक कैमरे के लिए, एक साउंड के लिए, मैं और हमारे साथ एक और बंदा था हेल्प के लिए, हम 5 लोग लंबी देहर माइंस चले गए। अब लंबी देहर माइंस हम पहुँचे, वहाँ से रात में करीब 7 बजे हमने ट्रैक करना शुरू किया, फिर हम उस एरिया में गए जहाँ पे फर्नेस ब्लास्ट हुआ था एक्चुअली में, जो मेजर जहाँ से कहते हैं कि चीज़ें हैं। हम सबके पास वॉकीज़, तो वो अचानक से मेरा वॉकी बजा अपने आप ही, तो उसमें से ऐसी कुछ आवाज़ आई वॉकी से, तो हमने इग्नोर कर दिया, फिर अचानक से दूसरे मेंबर की आवाज़ कुछ आवाज़ आई, उसकी फटी। अब एक बंदा हमारा जो हेल्पर था वो हमसे 10-20 मीटर की दूरी पे खड़ा था, उसकी इतनी फटी, ओ भाई भागो 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 वो भाई भागो 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 बोल के वो दौड़ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि इतना काम करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक 1x1 पैनल की LED लाइट बची हुई थी जिसमें बैटरी लगी हुई थी, और वो लाइट उसके हाथ में थी, वो लाइट लेके भाग गया। अब हम 3-4 लोग जो फंसे हुए हैं हमारे पास, चलो भाई अब उसके पीछे चलते हैं, हम फॉलो करते करते उसके पीछे किसी तरीके से पहुंच गए। एक पॉइंट हमने देखा वो रुक गया है, तो हम उसके पास गए, थोड़ा हमें 10 मिनट लगे उस पर पहुंचने में, वो लाइट ऐसे पकड़ के कांप रहा है क्या हुआ, खरा भाई यहाँ कुछ है कुछ तो है, हुआ क्या भाई, कुछ कुछ है मगर ठीक है। फिर उसने आवाज़ दी, एक दूसरा बंदा था हमारे पास दीपक, उसने आवाज़ दी उसको, दीपक मेरी लाइट पकड़ी, क्या हुआ भाई, मेरी सूजन निकल गई है भाई बहुत भयंकर डरा। हमने उस लाइट हमने ली, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एकदम से हमें आवाज़ आई पीछे से कि कुछ बहुत तेज़ी से आ रहा है, हम पीछे मुड़े, जैसे हम पीछे मुड़े रात के टाइम पे, मैं जनरली बता रहा हूँ 2:15 बज रहे थे, और 40-50 गायों का एक झुंड, जंगली गायों का दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, जिसको जहाँ जगह मिली, किसी को झाड़ में, किसी को नीचे, जहाँ जगह मिली वो कूद गया, गाय निकल गई। वहाँ पहुँचा वो बंदे ने जेन्युइनली सुसु कर दी थी यार, पूरा पैंट, पूरी पैंट उसकी ख़राब हो गई थी, वो आज तक मेरा फ़ोन नहीं उठाता 2019 में मैं एक एपिसोड शूट करने के लिए, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एपिसोड था, वो मैं शूट करने के लिए गया था खैंट पर्वत। तो खैंट पर्वत जो है वो बेसिकली टेहरी गढ़वाल से थोड़ा सा आगे है, और एक गाँव है खैंट, खैंट से 13,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ के आप एक पहाड़ ट्रैक करके एक पहाड़ के ऊपर पहुंचते हो, जहाँ एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, दुर्गा माता का मंदिर बना हुआ है। वो वहाँ के बारे में कहानी है कि यहाँ को यहाँ में रात को परियाँ आती हैं, आसमान से परियाँ उतरती हैं और एक बढ़िया नृत्य जो है वो माता के लिए पेश करती हैं, और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो बहुत मानते हैं इस बात में। तो एक गाँव वाले से मैंने बातचीत की, मैंने कहा भाई, उसका नाम जब्बर था, मैंने कहा भाई ऐसा है कि हमें ले चलोगे ऊपर, कह रहा ले चलो, कितने पैसे लोगे, कह रहा 15,000 रुपये, कह चलो ठीक है बट ले चलो। करीब 8-8:30 बजे के आसपास हम टॉप पे पहुँचे, ऊपर कुछ भी नहीं, चारों तरफ जंगल और नीचे टेहरी डैम दिख रहा है, ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति लगी हुई है, और ठीक ठाक मंदिर था, और वहाँ पर कोने में एक छोटा सा रूम बना हुआ था जिसमें कि अंदर गद्दे वद्दे भरे हुए थे। तो हम चले गए, हमने नाइट विजन कैमरास वगैरह सब इंस्टॉल कर दिए, मगर देखें एक्साइटेड अंदर लौंडे लौंडे सब परियां आएंगी रात में कोट वोट पहन के, कोट वोट पहन के, क्योंकि परियां वरियां, एनर्जी और बढ़ गई, अब थक गया, ऊपर पहुंचे, ऊपर टेम्परेचर था -2 डिग्री, उसमें भी मेरा जो कैमरा मैन था वो फेस वॉश कर रहा, मैं कहा क्या क्या चेक कर रहा भाई, अगर परी आ गई तो मैं कहा तुझे ही मिलेगी। फिर खैर 1:30-2 बजे के आसपास जब्बर था वो दौड़ता हुआ आया, वो मेरे को बोल रहा है जैसर जैसर जल्दी अंदर चलो, सब जल्दी अंदर चलो, क्यों क्या हुआ, शेर आ गया, क्या रशियन आ गई, शेर आ गया रशियन आ गया भाई ऐसे लो सही में ऐसे लो रशियन आ गया, क्या रशियन आ गया, शेर आ गया, कह रहा हाँ यहाँ हमला होता रहता ना, तो जब बाकी में से 2 लोग थे सिट्टी पिट्टी गुम, वो दौड़ता हुआ सीधा घुसे उसी कमरे के अंदर, जो छोटा सा कमरा था जिसमें गद्दे उद्दे रखे हुए, तो सीधे गद्दों के बीच में कि शेर आए तो पता ही ना चले, मैं चौक आया है, मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा, मैं कह अरे यार जब आएगा तब देख लेंगे, अभी काम करने दे, हाथ पकड़ खींचे जा रहा है कि चलो चलो शेर आ गया, एकदम से मैंने हाथ छुड़ाया और एकदम से फुल एटीट्यूड में बोला, मगर डरे हैं जिम कर रहे हैं
ये सच बात है, ये सच बात है।